मीडियम जी सर, तो मीडियम में एक पॉइंट तो लिखा है जी सर, दूसरा पॉइंट लिखो जो छोड़ दिए थे। पहला पॉइंट क्या लिखा है जब एन का मान सम हो कि विषम हो, विषम अब देखो, अब जब एन का मान तुम एक बार देख लो, एन इज फोर, मीडियन में जब एन का मान क्या हो विषम हो, एन का मान विषम हो तो उनका मीडियन क्या होता है एन प्लस वन, एन प्लस वन अब बटे टू, मतलब एन में एक क्या करेगा जोड़ करके दो से भाग देगा, जो पद निकलेगा वही पद उनका क्या होता है मीडियन होता है, क्या होता है मीडियन, जिनको हम माध्यक बोलते हैं माध्यिका बोलते हैं, समझ गया ना। उसके बाद देखो एन इज इवन, एन इज इवन जब एन क्या हो सम, एन अगर सम होता है तो देखो एन के सम होने पर आपको इनके दो पद निकलेंगे, इनके दो पद माध्य होते हैं, दो जो मध्य पद निकलते हैं उनको जोड़ करके दो से भाग देते हैं वही उनका क्या होता है माध्य होता है, समझ गया ना। एन जब क्या हो सम हो तो इनके दो मध्य पद होते हैं, इनके दो मध्य पद होते हैं, तो पहला मध्य पद क्या होता है फर्स्ट मध्य पद होता है एन प्लस होता है आपको एन बाय टू जी सर, पहला क्या होता है एन बाय एन बाय टू और सेकंड इनका क्या होता है एन प्लस वन बाय टू, एन बाय टू प्लस वन, एन बाय टू प्लस वन, तो पहला मध्य पद होता है एन बाय टू और दूसरा मध्य पद होता है एन बाय टू प्लस वन होता है, ये होता है। अब देखो इनका माध्यक क्या होगा, इनका माध्यक क्या होगा, तो ये दो पद जो आपको प्राप्त होंगे इन दोनों को जोड़ करके दो से भाग देगा, इन दोनों पद को क्या करोगे जोड़ दोगे और दो से भाग देगा, जो मान आएगा वही इनका क्या होगा माध्यक होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो कि यहाँ पर आपको संख्या दिया रहे दो पांच सात नौ आठ, ये संख्या दिया है तो देखो एक दो तीन चार है ना, एन का मान कितना होगा चार ना होगा जी सर, एन का मान, एन का मान क्या होगा चार। अब देखो इनके दो मध्य पद निकलेंगे, कौन सा निकलेगा तो एक होता है पाला एन बाय टू यानी चार बटे दो, दो दूनी चार, तो ये दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है बोलो पांच है, पांच सात, उसके बाद एक मध्य पद होता है एन बाय टू और प्लस वन यानी पांच प्लस ये दो प्लस एक, दो प्लस एक यानी तीसरा पद, तो एक दो तीन सात, ये आपको क्या हो गया सात दोनों को। अब इनका माध्यक क्या होगा, इनका माध्यक क्या होगा, तो माध्यक इनका जो मीडियन होगा वो होगा इन दोनों प्लस सात बटे दो बारह बटे क्या हो गया दो गुणा के बारह, ये छह अंतर इनका, जैसे मान के चलो कि इस बीच में पद नहीं है जैसे एक दो तीन होता है, इधर से भी एक दो तीन होता सब ने मध्य पद होता है, जब एन का मान सब है तो दो गुण मध्य पद हो गया एक दो इधर से एक दो तो दो गुण मध्य पद हो जाता है, जब एन का मान सम हो तो देखो ये वही चीज हो गया, जैसे एन का मान एक दो तीन चार हो गया ना, तो चार में दो से भाग दिए दो हुआ ना, दूसरा पद क्या है एक दो इसलिए पांच लिखे उसे, उसके बाद एन बाय टू प्लस क्या है वन है ना, तो एन बाय टू का मान क्या निकला है दो, दो प्लस एक तीसरा पद एक दो तीन, तीसरा पद क्या है सात है ना, तीसरा पद क्या है सात, तीन का मीडियन क्या होगा पांच प्लस सात बटे दो, पांच प्लस सात बटे दो से भाग आ जाएगा तो क्या हो गया छो, यानी छो जो होगा इनका क्या होगा माध्यक होगा। प्रकीर्णन की माप, कल तो लिखा दिए थे कल चलो।
देखो केंद्रीय तो माफ लीजिए नहीं लिखो जाए ना केंद्रीय प्रवृत्ति की माफ की तरफ लिखो सर मत यह देख के लिखो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की तरह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की तरह हमें परिवर्तनशीलता के वर्णन के लिए हमें परिवर्तनशीलता के वर्णन के लिए समय एकल संख्या चाहिए परिवर्तनशीलतावाद के वर्णन के लिए एकल संख्या चाहिए इस संख्या को प्रकीर्णन की माप कहते हैं एकल संख्या लिखो स्टार करके पुनः प्रकीर्णन के निम्नलिखित माप हैं प्रकीर्णन के निम्नलिखित माप हैं प्रकीर्णन के निम्नलिखित माप हैं पाला लिखो परिसर पाला परिसर इंग्लिश में रेंज रेंज दूसरा देखो पाला हो गया आपको परिसर जिनको हम क्या बोलते हैं रेंज दूसरा आपका हो गया चतुर्थक विचलन समझ गया क्वार्टाइल डेविएशन तीसरा आपका होता है माध्य विचलन इनको हम क्या बोलते हैं मीन डेविएशन चौथा होता है आपका मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन देख लिखो आंकड़े के परिसर का परिभाषा अधिकतम और न्यूनतम मानों का अंतर अधिकतम और न्यूनतम मानों का अंतर परिसर कहलाता है आंकड़े के अधिकतम और न्यूनतम मानों का अंतर परिसर कहलाता है रेंज बराबर कुछ मान माइनस मैक्सिमम माइनस मिनिमम मिनी मिनिमम वैल्यू रेंज बराबर क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू विचलन इनका होता है डेविएशन
चारों को सब कहाँ फिर तो लिखते हैं चलो अब क्या है मेन है लिखिए फ्रैक्शन एक्स का डेविएशन पहले भी लिखा चुके हैं देखो कॉपी में फ्रैक्शन एक्स का फ्रैक्शन एक्स का फ्रैक्शन एक्स का स्थिर मान ए से अंतर स्थिर मान ए से अंतर एक्स माइनस ए का फ्रैक्शन पोस्ट में देंगे कैसे पोस्ट में एक्स माइनस ए लिखना है स्मॉल लिखना है एक्स माइनस ए का फ्रैक्शन फ्रैक्शन एक्स माइनस ए फ्रैक्शन एक्स का ए से विचलन कहलाता है एक्स का ए से विचलन कहलाता है दोबारा फिर से बोलिए फ्रैक्शन एक्स का स्थिर मान ए माध्य विचलन स्टार में स्टार दो नहीं तो तीसरा पॉइंट था मीन डेविएशन माध्य विचलन लिखो स्थिर संख्या ए से विचलनों के निरपेक्ष मानों का माध्य ज्ञात करते हैं विचलनों के निरपेक्ष मानों का माध्य ज्ञात करते हैं इस माध्य को माध्य विचलन कहते हैं लिखो ए के सापेक्ष माध्य विचलन को परिभाषा में सर जी नीचा में जी परिभाषा में लिखेगा क्या बोले नीचा में एकदम लिखो पैराग्राफ चेंज बोलिए ए के सापेक्ष माध्य विचलन को एम डी ए से सूचित करते हैं एम डी ए बोर्ड पर देखो एम डी ए से सूचित करते हैं फुल नाम एम से मीन हो गया डी से डेविएशन माध्य विचलन ए है तो ए के सापेक्ष समझ गया ना ए के सापेक्ष माध्य विचलन अब लिखो एम डी ए बराबर इनका फॉर्मूला लिख लो ए से विचलनों के निरपेक्ष मान का योग चलिए तो ये जो आपका अनुरूपीय डाटा है अच्छा अनुग्रुपीय डाटा इसमें क्या होता है जैसे मान के चलो कि दो है छ है उसके बाद नौ
तीन क्या निकाल सर जी, ये आपका क्या हो जाता है, अनग्रुपेड हो जाता है। ये क्या हो जाता है आपका, अनग्रुपेड। इनको हेडलाइन बना दो। अच्छा, समझ गया ना जी। इसको हम क्या बोलते हैं, अनग्रुपेड डाटा, समझ गया ना जी। क्योंकि इसका बारंबारता दिया है, नहीं दिया है, ऐसे बिखरा हुआ है, समझ गया ना। तो ये अनग्रुपेड डाटा हो गया, जिनको हम अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। डाटा मतलब आंकड़ा, अनग्रुपेड मतलब अवर्गीकृत। अब देखो इनका माध्य विचलन कैसे निकालते हैं, मीन डेविएशन, समझ गया ना। माध्य विचलन हम कैसे निकालते हैं, तो माध्य विचलन यानी माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। जैसे मान के चलो कि विचलन ये हो, समझ गया ना, विचलन ये हो, तो इनके लिए माध्य विचलन आपको हो जाता है एम डी ए बराबर वन बटे एन सिग्मा, ये एन आई बराबर क्या हो गया, वन मोड एक्स आई माइनस ए। सूत्र होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला इनका होता है, जैसे मान के चलो सर जी इस पे निकालिए ना इसको, किसको ये निकाल देते हैं सर जी। अब एक्सरसाइज में आएगा ना सवाल, उस पर हम बनाएंगे। ये वन बटे एन हो गया, आई बराबर क्या हो गया, वन वन, आई बराबर क्या हो गया, वन वन। अब देखो मोड मोड एक्स आई माइनस एक्स बार, समझ गया ना। ये था जो ग्रुप के डाटा रहेगा, फिर डाटा के लिए इनके लिए आपको क्या होता है, एम डी एम डी एम डी मीन, ये देखो मतलब माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। इनके लिए आपको होता है ये सिग्मा एन आई बराबर वन एफ आई मोड एक्स आई माइनस एक्स बार बटे सिग्मा एफ आई। अनग्रुपेड मतलब होता है ना वर्गीकृत, अनग्रुपेड मतलब वर्गीकृत। इनके लिए ये फॉर्मूला होता है, इनको लिखो मिटा दें इनको। उनको मीन डेविएशन ये पढ़ते हैं ना, इसको मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत ही संधि आप नहीं है पढ़ा, मीन डेविएशन ये याद रखा, माध्य विचलन दे ए के सापेक्ष माध्य विचलन के सापेक्ष हिंदी के जमा अनग्रुपेड डाटा की। अब मीडियन के लिए फॉर्मूला लिखना है, समझ गया ना, मतलब माध्यक के सापेक्ष माध्य विचलन। अभी क्या हो रहा था, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, अब माध्यक के सापेक्ष माध्य विचलन। तो माध्यक को हम एम से सूचित करते हैं, कैपिटल एम, एम से, क्योंकि एम फोर क्या हो गया, मीडियम। इनमें भी आपको फोर मीडियम के लिए दे देना है, फोर मीडियम मीडियम, उसमें से फोर मीन। तो अनग्रुपेड के लिए पहले हम लिखाते हैं, पहला फॉर्मूला आपको हो गया वन बटे एन हो गया, सेम है फॉर्मूला, याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
उसमें हम माध निकाल करके घटाते थे, इसमें आप क्या करोगे माध निकाल करके घटाओगे, आप रुपेट के लिए क्या होगा? देखो एमबीएम का मतलब क्या हो गया, मीन डेविएशन, मीडियन, क्या मीन डेविएशन फॉर मीडियन, समझ गया जी सर? तो यहाँ पर हो गया कि माध्यक, जिनको हम माध्यिका भी बोलते हैं, के सापेक्ष माध्य विचलन, शॉर्ट में इसको हम क्या लिखते हैं एमडीएम, बराबर क्या होगा, ए एन आई बराबर क्या हो गया वन एफ आई ये एक्स आई माइनस क्या दोगे एम बटे सिग्मा एफ आई। अब देखो पहला क्वेश्चन जो है आपका हो गया सर जी, इसका चार सात हो गया नौ बैग लो तो चैप्टर कर लो इस एक्सरसाइज के लिए हो गया देखो चार सात आठ नौ दस बारह तेरह सत्रह इसका भी काम ना सर आइए बारह अब सब संख्या को जोड़ दोगे सब संख्या को क्या करोगे जोड़ दो तो चार सात आठ नौ दस बारह तेरह सत्रह संख्या बटे क्या है अच्छा एन का मान क्या है आठ का मान ये जोड़ के सब कितना होता है अस्सी हो गया दस हो गया ना दस ये माध एक्स का मान क्या आया यानी माध बराबर क्या निकला दस उसके बाद देखो अब निकालना क्या है माध्य विचलन निकालना है क्या निकालना है माध्य विचलन ये माध के सापेक्ष माध्य विचलन इनका फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला लिख दो वन बटे एन सिग्मा एफ आई एन नीचे में आई अब देखो एक्स आई माइनस क्या हो गया एक्स बार ये हो गया जी सर। अब देखो क्या क्या बोलते तो एक्स आई माइनस एक्स बार अब यहाँ पर देखो एक्स आई तो देखो ये एक्स आई मतलब क्या आई का मान जो होता है वन से शुरू होता है जी सर इनको हम क्या बोलते हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स एक्स सेवन एक्स एट लेकिन एक से लेकर के कहाँ तक जाएगा आठ तक इसलिए इनका सिंबल अब एक से लेकर के आठ तक तो संख्या नहीं लिख देगा उसका एगो सिंबल प्रयोग करते हैं ना यही चीज ना सिंबल है यानी एक से शुरू होगा कहाँ तक जाएगा अभी आठ तक जाएगा जैसे मान के चलो एक बटे क्या देगा आठ देगा ना एक बटे क्या देगा एन का मान वही आठ आठ उसके बाद देखो अब सिग्मा मतलब क्या होता है जोड़ ना होता है सिग्मा मतलब जोड़ ये जोड़ो अब तो देखो किस प्रकार से जोड़ना है तो देखो एक्स आई में से माध को घटाते हैं ना घटाते हैं तो देखो एक्स आई मतलब एक से ना शुरू करेंगे चार में से किसको घटाओगे दस को चार में से किसको घटाओगे छह तीन दो उसके बाद देखो एक फिर क्या करोगे सात में से किसको घटाओगे दो फिर किसको घटाओगे सात के बाद आठ को आठ माइनस क्या करोगे दस फिर क्या करोगे पहले नौ माइनस दस तब दस माइनस दस उसके बाद क्या है नौ माइनस दस भी है नौ माइनस क्या हो गया दस अब क्या है दस माइनस दस दस माइनस माइनस दस उसके बाद क्या है तेरह माइनस दस सत्रह माइनस दस तेरह माइनस दस हो गया अब क्या है सत्रह माइनस माइनस दस ये हो गया अब बटे क्या होगा मार्क आएगा समझ गया ना ये जो देख रहे हो कि एकदम बेंच खाली है यही मार की वजह से बातचीत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं वो लड़का सब क्यों गुम है सबको मार लगा था
चार में से दस गया कितना बचेगा मोड है तो क्या होगा छह हो जाएगा सात में से दस गया तीन प्लस दो उसके बाद क्या होगा दो प्लस दो प्लस जीरो जीरो प्लस वन उसके बाद क्या होगा वन प्लस दो दो माइनस दो होगा मतलब मोड है तो सब क्या होगा दस में से दस गया क्या हो गया जीरो नौ में से दस गया क्या हो गया माइनस एक तो मोड से निकलेगा तो प्लस एक उसके बाद है बारह में से दस गया दो तेरह में से दस गया क्या होगा तीन तीन सात सत्रह में से दस गया क्या होगा सात सबको जोड़ो कितना होगा चौबीस चौबीस बटे आठ आठ किया चौबीस तीन समझ गया ना तो माध के सापेक्ष माध विचलन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है पहले माध निकाल उसके बाद क्या करते हैं दिए गए आंकड़े में से घटा करके दिए गए आंकड़े में से घटा करके सबको जोड़ देते हैं एन का जो मान होता है उनसे हम क्या करते हैं भाग देते हैं